सेक्टर्स में देखे, आज हम दुनिया को कहीं भी ना साथ खड़े हो पा रहे हैं, ना लीड कर पा रहे हैं, बल्कि पीछे ही मूव करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? इसकी दो वजह है। एक तो हमारे सियासतदान करप्ट है, नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास लिटरेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। दो वजह, बस यही दो वजह। सर, अगर हम बात करें आज ब्रिटिश दौर की, ये हम स्ट्रक्चर देखें तो भी नज़र आता है, रेलवे देखें तो भी नज़र आता है कि हम लोगों ने उनको मतलब रिन्यू नहीं किया, इनोवेशन नहीं की, उसको बिल्कुल भी वैसे ही रखा हुआ है आज से जैसे पुराना था। अब बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं चीज़ों के अंदर। वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम कर गया, सर हमारा रेलवे आज भी देख लें। हम दुनिया से जो है ना, खास करके ब्रिटिश और चाइना से 100 साल पीछे हैं। उनका ट्रैवल जो है ना, हमारे यहाँ 12 घंटे का जो ट्रैवल होता है ना, वो मैं खुद चाइना में कहता हूँ 2 घंटे 10 मिनट में पहुँचता हूँ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमने तवज्जो ही नहीं दी है। बेसिक जो हमने चीज़ें हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। ट्रेडिशनल जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड संभाल के रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है उसको बस समझ लें आप। क्या वजूहत है, क्या प्रायोरिटीज़ हमारे पास नहीं है? क्या हम लोग पाकिस्तान को पाने का मकसद ये था जो आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या वजूहत आपको लगती है? बेसिक एक ही वजह है कि जो हमारे सियासतदान आते हैं ना, वो लग्जरियस लाइफ जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। बराक ओबामा जो है ना, उसको भी देख लें, उसने 3 सूट के अंदर अपना 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा किया था। हमारे सियासतदान क्या कहते हैं उनको देखें, हमारे लोग क्या कहते हैं। ये ब्रिटिश बरतानिया में जाके जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके बाप की जायदाद है, ये पाकिस्तान अवाम की जायदाद है। टैक्स चोर है हमारे यहाँ के लोग, जब टैक्स नहीं देंगे हम आगे कहाँ से निकलेंगे? मुशर्रफ को देखें, वो भी बाहर गया। नवाज शरीफ को देखें, वो भी बाहर गया। क्या आपको लगता है कि ये जो अभी लाइक हुकूमत कर रहे हैं, क्या ये भी बाहर जाएंगे या फिर यहाँ से अभी और पैसा कमाएंगे? उनका आखिरी स्टेशन बाहर जाना ही है, और कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारे यहाँ कोई लॉ है ही नहीं। आज हमारे जज साहब कोई ऑर्डर करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। क्या लॉ नहीं है हमारे यहाँ, कैसे हम तरक्की करेंगे बताएं? क्या आपको लगता है कौन सा लीडर हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है? कोई नहीं, लीडर है ही नहीं हमारे मुल्क में। क्या इमरान खान हो सकता है? इमरान खान है, मगर वो उसको आने कौन देगा? कोई नहीं आने देगा उसको। क्या आपको लगता है कि वो बेहतर साबित हो सकता है पाकिस्तान के हक में? बेहतर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी होती है, वो जो सारी उम्र काम करी है वो करती रहेगी, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का ये काम ही नहीं है जो ये कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका नाम? फैज रसूल। क्या करते हैं? ये मेरा लॉन्ड्री का कारोबार है। गुजारा हो रहा है लॉन्ड्री के काम में? नहीं होता गुजारा, कहाँ होता, बस एक सिलसिला है जो चल रहा है, थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, और इतनी महंगाई है उसमें कोई मसला नहीं सीधा हो रहा। शिकायत है गवर्नमेंट से या फिर खुश है इस टाइम भी के शुक्र अल्लाह का जिस तरह भी ये गुजारा हो रहा है? हर आदमी से शिकायत है गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट ने तो कया ही किया हुआ है, लेकिन ये इतने भी हुक्मरान हैं ये सारे, ये अल्लाह ही अल्लाह है, बस अपने ऊपर लेते नहीं ये बात, वो दूसरों को अपनी कारकर्दगी दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बस दूसरों पे इल्ज़ाम, वो दूसरे एक दूजे को चोर, डाकू, बेईमान ये कह कह के और आवाम को पागल बनाया हुआ उन्होंने। इस टाइम अगर हम दुनिया की बात करें ना, तो चाइना के कर्ज़ों के नीचे हम हैं, IMF के कर्ज़ों के नीचे हम हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे है। क्या समझते हैं कि कर्ज़ों के नीचे कब तक हम चलते रहेंगे? क्या हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए? आज जैसे दुनिया आगे बढ़ गई है, क्या हमें बनना चाहिए और कैसे बन सकते हैं? ये ऐसे बन सकते हैं कि जितने भी हुक्मरान हैं ये सारा पैसा अपना बाहर लाएँ, इधर 12 पैसे ला के और सारा ये कर्जा उतारें, और ये सलसला सही हो सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अगर हम पिछले हुकूमतों की बात करें, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, वो भी तो बाहर के मुल्कों में ही है, क्या ये हुकूमत भी अपना बाहर का पैसा इधर लाएगी या खुद भी बाहर जाएगी? ये पैसा नहीं लाएगी, ना इधर से पैसा लाएगी, ये इधर से ले जाएगी। इतनी समझदार इतनी हो ना, तो अवाम के हम दर्द, मुल्क के हम दर्द हो ना, तो ये सारा पैसा लाएँ। ये दुनिया को देखें ना, तो हम जब जहाँ से आज़ाद हुए थे इंडिया से, तो आज उनके हर चीज़ में उन्होंने तरक्की की है। क्या वजूहत लगती हैं? हम जैसे ही लोग हैं ना, वहाँ भी मुसलमान भी है, हिंदू भी है, यहाँ भी मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन वो तरक्की कर गए लेकिन हम नहीं कर पाए, क्यों? ये तरक्की इसलिए है कि ये जो भी आता है ये मुल्क को लूटता है, जो आता है मुल्क को बनाता नहीं है, ये सिर्फ वो खा गया, वो ले गया, वो उठा गया, वो कर गया, ये मुल्क की तरफ, अवाम की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट भरते हैं, अपने सांसे बनाते हैं, बाहर इनके सांसे हैं, इधर इनके सांसे हैं, हर चीज़ इनकी है, कोई वजीर इनका, कोई मशीर, ये कोई ऐसा मसला इनका, अवाम का तो मुल्क का ये सोचते ही नहीं है। क्या समझते हैं आपके वहाँ की गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट हर टेन्योर पर जो आती है, क्या वो बेहतर होती है हमारी गवर्नमेंट से?
उनकी गवर्नमेंट फिर के अमीर है, इनकी गवर्नमेंट गरीब है, ये खाते देते हैं, गवर्नमेंट का हिसाब नहीं है, ये तो उनकी गवर्नमेंट अमीर है। कैसे अमीर है वो? उनकी गवर्नमेंट का वो खुद मुख्तार है, हर चीज़ वो बनाते हैं, हर चीज़ को मुहैया होती है। इधर तो हम भी सकते हैं लेकिन बनाते नहीं, वही तो बात है, ये बना नहीं सकते, सब कुछ इनके पास है, इंसान भी है, आदमी भी है, सब कुछ है, लेकिन उन आदमियों को ये तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले तो हमारे जो अपनी आवाम है जो इसका सबसे पहले कसूर है, जो हम गलत अपने जो सरबराह हैं उनको चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे सरबराह हैं वो आते हैं, तो क्योंकि सारा निज़ाम दर भरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम हैं जो इनको चूज़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने ये ना देखें ये नवाज शरीफ है, ये इमरान खान है, ये है, इनके पीछे लड़ाइयाँ ना करें। बात करें, अभी हमने बात की है कि क्यों हम पीछे हैं, अगर हम बात करें इस टाइम रेलवे की, मेन जो चीज़ है ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि और भी चीज़ों के लिए काम आता है। अच्छा, अब रेलवे की अगर हम बात करें मेन, तो आपको भी पता है इस टाइम हमारा ब्रिटिश का ही वो रेलवे चल रहा है। इनोवेशन की बात करें हल्की फुल्की एज लाइक ज़्यादा नहीं नज़र आती, लेकिन अब जहाँ से हम निकले इंडिया, ब्रिटिश ने हमें जब छोड़ा, हम जब आज़ाद हुए, आज भी हम उन्हीं की चीज़ों पर, आज हम इस माल रोड की भी चीज़ें देखें तो ये भी ब्रिटिश का ही नज़र आता है। अच्छा, अब हम बात करें इंडिया की जानिब, अगर हम देखें तो आज उन्होंने मैसिव रिकॉर्ड कायम किया है अपने रेलवे सिस्टम में। मे भी आपको आइडिया हो कि इस टाइम वो ट्रांसपोर्ट में कितना आगे चले गया, ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट, आईटी और अदर थिंग्स में भी क्या वजूहत है, वो आगे डे बाई डे जा रहे हैं लेकिन हम उनसे सीख भी नहीं रहे, उनको देख भी नहीं रहे। इसकी वजह यही है कि हमारा जो ना उनके साथ जो क्लैश है ना वो जी कश्मीर के ऊपर है, कि हम उनकी ये जो सिस्टम है ना एक एडवांस की तरफ नहीं देख रहे, कि हमारी जो आगे पब्लिक है वो हम यहाँ कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे हैं। हम यही है कि हमारी फ़ौज जो है वो उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हमने बस आल टू आल वो ही देखते हैं कि जब जंग होगी कि हम उनसे ना जीत जाएंगे, हम उसको शिकस्त देंगे। हालांकि शिकस्त वाली कोई ऐसी बात नहीं है, वो देखें ना कि वो आईटी के अंदर इतना एडवांस है उसका रेलवे सिस्टम जो ब्रिटिश दौर से है, आज वो वर्ल्ड में भी बेस्ट में आ रहा है, यानी कि उसका रैंक आज भी मेंटेन है, उन्होंने किया हुआ है। और हमारा जो रेलवे सिस्टम है हम वो पुराने को छोड़ के ना नए प्रोसीजर प्रोजेक्ट वगैरह की तरफ सोच रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उसको भी इम्प्रूव किया जाए, अगर उसी को इम्प्रूव कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो गुड होगा। आपकी क्या राय है? मेरी तो राय है सबसे पहले तो करप्शन है इसमें रेलवे में, क्योंकि रेलवे की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा चाइना से काफ़ी इंजन जाते हैं आते हैं, पता नहीं जाते किधर हैं, कि ये चाइना से एक इंजन आया कि ये बहुत फास्टली चलेगा, लेकिन वो पता नहीं किधर गया आज तक ना उसका पता है। रेलवे का खुद मैंने विज़िट किया हुआ है, लोकोमोटिव इसकी वर्कशॉप है, देखी है, उसमें जाके देखा है जो इंजन एक आता है उसको विद इन आवर्स उसको खोल के रख देते हैं, लेकिन उसको असम्बली उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सोर्सेज जो चाहिए होते हैं। हमारी आज भी, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, हमारी आज भी जो रेलवे है वो चुक 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 वो स्पीड है। एक आपको ना मैं वीडियो दिखाती हूँ, आपको एक मिनट बस इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे एक बंदे ने एक वीडियो भेजी थी और कमाल की वो मतलब वीडियो थी, अभी मे भी मुझे ना मिले शायद। ये इंडियन है, ये उनकी ट्रेन है, आप इधर आए, ये दोबारा से देखिए ज़रा, ये उनकी ट्रेन है और हमारी ट्रेन देखिए। यही है कि उन्होंने ओल्ड रेलवे को इम्प्रूव किया हुआ है, ये जो उनका ट्रैक है वो ओल्ड है, यानी ओल्ड के ऊपर उन्होंने जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी रेलवे जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। हमारी ट्रेन ऐसे चलती है इतनी तेजी? नहीं, हमारी जो है वो समझे कि उसकी बजट चल रही है, कराची जो जा रही है वो वाली चलती है, लेकिन वो नॉन स्टॉप जाती है, इस वजह से टाइमली अपनी लोकेशन पे चली जाती है। हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि किन चीज़ों पे काम करना है जी। अभी भी देखें हम दुनिया से कितने पीछे हैं, आज भी हम कहते हैं हमारे जज्बात बहुत है, भाई जज्बात से क्या करेंगे, जज्बात से हम क्या करेंगे, जज्बात से लड़ा जा सकता है? अब तो जिसके पास हथियार है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास इकोनॉमी है, वो सबसे ज़्यादा आगे है, जज्बात क्या करें? ये जो है वेपन्स के ज़रिए जो जो जंग वगैरह होती है ये तो